हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है लेडी मोमेंट्स में। होप आप सभी सेफ़ और हेल्दी होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रक्षाबंधन बस आने ही वाला है, तो रक्षाबंधन के लिए मैंने आप लोगों के साथ कुछ मेकअप्स और ड्रेसिंग टिप्स शेयर की हुई है। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और फिर भाई, अब ये तो जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि सारी बहनें अपने भाइयों के पास पहुँच पाएंगी। तो फिर आप लोग के साथ क्या है सिचुएशन, आप लोग पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरे साथ तो मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहती हूं मायके से, तो मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगी। तो आप लोग पहुंच रहे हो कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप लोग भाई वीडियोस देखते हो, पसंद करते हो, तो फिर लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि वीडियोस के व्यू तो आते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने बेस मेकअप कर लिया है और फिर स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। आई मेकअप में मैं स्टार्ट करूँगी आईब्रो फिलिंग से, तो आईब्रो फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा है कि रक्षाबंधन जो होता है वो डे फंक्शन होता है, इसमें रात के फंक्शन जैसा बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो डे फंक्शन के हिसाब से हम मेकअप करेंगे, जिसमें मैंने सोचा है कि आई मेकअप थोड़ा डार्क रखूँगी और लिपस्टिक लाइट रखूँगी। तो फिर ये स्टार्ट करते हैं आई शेडो को हम ब्लैक आई शेडो से। ब्लैक आई शेडो को आउटर कॉर्नर पर मैं अप्लाई करूँगी। मुझे इंटेंस ब्लैक नहीं चाहिए था, बट ये भी ब्लैक काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो ये भी ब्लैकिश ब्लैकिश है। मुझे लगा ये थोड़ा ग्रे हो जाएगा, फिर भी अच्छा है। और फिर उसके बाद ये ब्राउन मैंने ट्रांजिशन कलर के लिए लिया हुआ है। देन अब मैं ये सोच रही हूँ कौन सा कलर यूज़ करूँ। फिर येलोइश कॉपर कलर है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। दोनों ही आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लें। फिर मैंने ट्रांजिशन कलर के लिए थोड़ा ब्राउन आई शेडो और लाइट ब्राउन वो एक बार और अप्लाई किया और सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये पतला ब्लेंडिंग ब्रश लिया और ये अब लोअर लैश लाइन पे थोड़ा क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन कलर हमने ऊपर लगाया था ब्राउन, वही हम नीचे लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे और उसको अपर वाले जो जहाँ पे ब्राउन लगाया था उसके साथ मर्ज करेंगे। देन ये ब्लैक वाले को भी हम उसी तरीके से अपर वाले ब्लैक और नीचे के लोअर ब्लैक आई शेडो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन मैंने इनर कॉर्नर पर ये कॉपर वाला कलर लगाया हाइलाइटर। अब ये क्या है, आईलाइनर लगाएंगे। डे फंक्शन है तो इसलिए मैंने फॉल्स लेसेस नहीं लगाए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा रहता है घर में एक्चुअली काफ़ी देर तक, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है, तो इसके लिए मैंने मस्कारा के दो कोट अप्लाई किए अच्छे से। और ये भी अच्छा ही होता है, लोअर लैश लाइन पे भी लगाएं। और फॉल्स लेसेस से क्या, थोड़ा सा लाइक अनकम्फर्ट सा फील होता है, मैं पूरे दिन लगा के नहीं रख सकती। और फिर ये कॉन्टोरिंग कर लेंगे। देन ब्लश, हाइलाइटर और डे फंक्शन है तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई। लिपस्टिक के लिए मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाया, उसके साथ लिप ग्लॉस लगाऊंगी, थोड़ा अच्छा दिखता है डे में। देन ये येलो कुर्ती के साथ मैंने वाइट थ्रेड वर्क की कुर्ती पहनी हुई है और वाइट प्लाजो, टैन कलर की मोजड़ी है मेरी और वाइट पर्ल ईयर रिंग्स एंड कड़ाई। होप
आप सभी को ये सारे रक्षाबंधन के लिए टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक बात, आप लोग ऐसे ही अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है moments.lady, मैं ये स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूँगी, तो फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी एक्टिव एंड हेल्दी। बाय बाय।